मैकेनिज्म कैसे होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्केलेटल मसल, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है स्केलेटल मसल का, मतलब द मसल फाइबर, दैट इज द सर्कुलेमा, तो ये तुम्हारी जो इसकी इनिशियल लेटेंट पीरियड है दैट इज 3 मिलीसेकंड। तो 3 मिलीसेकंड में मतलब एक तरह से उसको स्टिमुलस भी मिलती है मसल फाइबर्स को, और डीपोलराइजेशन भी होती है और एक्शन में आ जाती है विद इन 3 मिलीसेकंड। तो सोच सकते हो बहुत जल्दी होती है, बहुत क्विक होती है, ठीक है। तो दैट इज इनर्वेटेड बाय द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके थ्रू होती है, स्टिमुलस वहां से मिलती है। तो द एक्शन पोटेंशियल जो इनिशिएट होती है दैट इज बाय द फायरिंग ऑफ ए मोटर न्यूरॉन हुज एक्सॉन ब्रांच टर्मिनेट्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब टी टिब्यूल्स के पास, मतलब दो मसल फाइबर के बीच में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां ये शुरू होती है टी टिब्यूल्स, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स में। और उसके बाद क्या होता है, ये जो करंट मतलब स्टिमुलस जो जनरेट होता है दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स। तो ट्रांसवर्स से शुरू होकर लॉन्गिट्यूडनल में आता है, तो क्या होता है जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स होती है दैट विल लीड्स टू ईच एंड एवरी मसल, ठीक है, मतलब सारे मसल फाइबर में, तो होल मसल में ये फिर स्टिमुलस जनरेट होती है, डिपोलराइजेशन होती है और कॉन्ट्रेक्शन शुरू होता है। तो अब इसमें है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट तब तक नहीं होगी जब तक कि टी ट्यूबल से लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबल्स की ओर और कह सकते हो टुवर्ड्स होल सार्कोप्लाज्म में जाए, ठीक है। तो अ लोकल सर्किट जो होती है इसकी, लोकल सर्किट दैट विल कंप्राइजेस ऑफ आयोनिक करंट फ्लो। आयोनिक करंट फ्लो मतलब कैल्शियम का, बताया था लास्ट क्लास में भी कि कैल्शियम का निकलना जब तक वो अपने सेल से मतलब अपने स्पेस से जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक कॉन्ट्रेक्शन नहीं संभव, ठीक है। लेकिन ये जब भी होगी तो पूरी इंटायर मसल फाइबर में होगी, या यू कैन से वो स्पेसिफिक मसल्स में होगी। जैसे लास्ट क्लास में बताया भी था दूसरे पिक्चर में कि जब सार्कोमेर जब रिलैक्स्ड होगी और कांटेक्ट होगी तो इसमें क्या होगा स्पेशल। अभिषेक, तो सार्कोमेर जो है रिलैक्स होगी तो उसमें क्या होगा, जो कॉन्ट्रेक्शन होगी ए बैंड और आई बैंड में वो मतलब उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो yes, sir. और जब कॉन्ट्रेक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होगी एक्टिन फिलामेंट्स की, देख सकते हो यहाँ जो एरो टाइप की दिख रही है ना, ये देख रही है, इसमें yes, एरो टाइप का दिख रहा है, इसमें भी एरो टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये क्या इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। इनवर्ड कहने का मतलब है कि रिलैक्सेशन हो रही है, जो आयंस की एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू ये इनवर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पर क्या है सार्कोमेयर इज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ये यहाँ पर रिलैक्स हो रही है तो ये वापस अपने जगह पे जा रही है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जो क्रॉस ब्रिज है उसमें भी देख सकते हो, क्रॉस ब्रिज में यहाँ पर ये जो तुम्हारे फिलामेंट्स हैं ये ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ कम दिख रहे हैं, है ना, दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन और आइदर रिलैक्सेशन। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट का स्प्रेड है दैट इज इनवर्ड थ्रू टी ट्यूबल्स व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल पासेस, इट हैज डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर, मतलब पूरे के पूरे मसल फाइबर में इसका इफेक्ट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो एग्जैक्टली मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है ये क्या है, मतलब एक थिक फिलामेंट जिसको मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं सार्कोमेयर में जो होती है दैट इज अ बंडल ऑफ अबाउट 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स, और ये डिफरेंट टू पार्ट्स में होती है, एक तो लाइट मेरोमायोसिन में होती है, एक हैवी मेरोमायोसिन में होती है, और जो होती है ये पैरेलल चलती है टू द मॉलिक्यूल्स मेकिंग अप द लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट, ठीक है। मतलब जो थिक फिलामेंट जो बन रही है उसमें ये लाइट मेरोमायोसिन पैरेलली प्लेस होती है, जबकि हैवी मेरोमाइसिन जो है ये मतलब एक आर्म टाइप का, मतलब एक हुक प्रोवाइड करती है जिससे कि एक्टिन फिलामेंट कंबाइन होती है, ठीक है। तो
So arm projecting is flexible like a hinge where it joins the light mirromycin and also to the head. And this head attached to the free end of the arm. So these hinged heavy mirromycin particles that are also known as cross bridges, they protrude from all around the thick filaments. Matlab har taraf se thick filament ke har taraf se ye active hote hain aur inme hi jo hai मतलब दूसरे जो है थिन फिलामेंट्स या फिर कह सकते हो जो तीन कंपोनेंट होते हैं थिन फिलामेंट के दैट इज एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ये जाके उसमें बाइंड होते हैं सो द बेस यूनिट इज द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज स्ट्रैंड्स एक होती है जी एक्टिन जो होती है ये एक एफ एक्टिन मॉलिक्यूल को जो है वो जी एक्टिन मॉलिक्यूल से बनता है मतलब एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल या कई जी एक्टिन मॉलिक्यूल मिलकर एक एफ एक्टिन मॉलिक्यूल को कंप्रेस करते हैं सो लाइंग इन द ग्रुप्स ऑफ टू एफ एक्टिन स्पाइरल चेन्स आर ट्रोपोमायोसिन समझने की ये चीज है कि ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स ठीक है बेस यूनिट तुम्हारी एफ एक्टिन हो गई और बहुत सारी स्ट्रैंड मिलकर जी एक्टिन मॉलिक्यूल बन गई ठीक है तो जो दो एफ एक्टिन स्पाइरल चेन है उसको कंबाइन करके हम कहते हैं ट्रोपोमायसिन और जो थर्ड प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन ये अटैच होती है टू द ट्रोपोमायसिन मॉलिक्यूल एंड टू द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स मतलब ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल और दो एफ एक्टिन स्पाइरल चेन है दैट इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन ठीक है तो दो एफ एक्टिन चेन प्लस जो ट्रोपोनिन है ये जब कंबाइन होते हैं तो दैट आर फॉर्म ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस दीज कॉजेस द मायोसिन मॉलिक्यूल्स टू डेवलप एन एटीपेज कैपेबिलिटी मतलब मायोसिन जो होती है उसकी एक उस समय कैपेबिलिटी होती है कि वो एटीपी को तोड़ सके ठीक है और एनर्जी डेवलप करे जिसके कारण की कॉन्ट्रेक्शन मतलब मसल फाइबर्स व्हेन आर इन द रेस्टिंग स्टेट द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटीपी बाउंड विद द क्रॉस ब्रेस ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट का तो ये दोनों जो है अनकम्बाइंड मतलब अलग अलग स्टेज में रहता है रेस्टिंग स्टेज में दोनों अलग अलग रहता है और दोनों के बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं करती लेकिन जब एक बार कैल्शियम आयन मतलब एक्टिव होता है बाहर निकलता है ठीक है अपने स्पेस से तो ये क्या करता है उस निगेटिव रिएक्टिव साइट्स जो है एटीपी को उसमें मतलब एक तरह से स्टिमुलस देता है जिसके कारण क्या होता है जो क्रॉस ब्रिज जो बनती है टी ट्यूबुल्स और लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूबुल्स से मायोसिन फिलामेंट्स में वो एक्टिव होती है और कॉन्टैक्ट होती है जिसके कारण जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है वो उसमें अटैच होती है दैट इज द एक्टिन फिलामेंट्स ठीक है और उसके बाद वो एक तरह से मतलब बॉन्ड बनाती है ठीक है तो क्रॉस ब्रिज जो होती है दैट आर द हैवी having strong electronegativity in the resting state. मतलब resting state में जो है ये electronegativity इसकी बहुत ही मजबूत होती है bonding जो होती है active filaments की और myosin filaments की that are very much active. ठीक है stronger. लेकिन ये होती है in the during the presence of ATP. So the myosin filaments because the shank of the filament is also negatively charged. ये इसलिए भी होती है क्योंकि जो ATP release होती है वहाँ पर जो filament होते हैं वो भी negatively charged होते हैं. तो calcium ion जब भी ATP के साथ shank मतलब एक तरह से मिल जाना उसमें मिल जाना ठीक है. Okay sir. तो एक bonding बनाना. ये calcium ion जो है ATP के साथ bound होती है और cross bridge में और जो नेगेटिविटी आती है दैट विल बिकम न्यूट्रल ठीक है तो उससे क्या हुआ मतलब कॉन्ट्रेक्शन का पार्ट पूरा हो गया उसके बाद जो क्रॉस ब्रिज है वो इनवर्ड टुवर्ड द एक्सिस वो पुल होता है अगेन ये एक्सिस से पुल होता है दैट इज द शॉर्टनिंग करता है मतलब रिलैक्स करता है एक बार जब कैल्शियम आयन रिलीज हुआ
तो ये क्या करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ये जो मायोफाइब्रिल्स है उसको स्ट्रेच करेगा, मतलब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को होल्ड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है। लेकिन जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस समय फिर क्रॉस ब्रिज को मैसेज मिलती है कि भाई अब इसका काम हो गया तो अब इसको छोड़ दो, तो जो पुलिंग कैपेसिटी है दैट विल लो। फिर उस समय क्या होती है, फिर वो रिलैक्सेशन होती है, ठीक, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स हो जाती है। तो व्हेन द क्रॉस ब्रिजेस फोल्ड इन अगेंस्ट द शैंक ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, उसके जो सिर के पास, ठीक है, जो एटीपी केस में प्रेजेंस में होती है, तो वहां पर ये टूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडीपी, और जो कैल्शियम लिंक कनेक्शन होती है बिटवीन मायोसिन और एक्टिन का, ये फिर वापस अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट रिलैक्सेशन हो जाती है। So subsequent similar reactions occur at other cross bridges and the actin filament is pulled another state. मतलब इसी से क्या होती है, जब तक ATP है तब तक contraction हो रही है, जैसे ATP से ADP में change होती है तो फिर ये relaxation के position में आ जाती है और वापस जो actin और myosin filaments हैं वो अपने normal state में आ जाते हैं और जो charge होती है negatively वो फिर neutralized हो जाती है। न्यूट्रलाइज होती है तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट जो रिएक्शन है ये होते रहती है और इसी के कारण जहां भी मसल्स में मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके तरफ से चलती रहती है, बढ़ती रहती है। सो एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज क्रिएटिनिन फॉस्फेट कॉजेस ऑलमोस्ट इमीडिएट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एडीपी टू एटीपी, ठीक है। So, इसलिए कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज जो होता है दैट हैज फोल्डेड इनवर्ड, तो उस समय जो एटीपी के ड्यूरेशन में जो रहती है, मतलब जब फिर एडीपी से एटीपी होता है तो ये अंदर की ओर चली जाती है, ठीक है, और बाइंड करती है कैल्शियम आयन के साथ फिर टू द एक्टिन फिलामेंट को नए सिरे से अदर स्टेज में लाने के लिए। अब तो सब्सिक्वेंट चलते रहती है, तो रिलैक्सेशन में क्या होती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। मतलब जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में है, मतलब इनवर्ड से आउटर स्पेस में जब आती है कैल्शियम आयन और जब तक परसिस्ट करती है सार्कोप्लाज्म में, तो दैट विल काउज फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। लेकिन एक बार जैसे ये फिर अंदर वापस अपने ट्रायड्स में चली जाती है, अपने स्पेस में चली जाती है, तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबल्स जो है दैट इज सिक्वेस्टर्ड, मतलब वो वापस अपने स्पेस में आ जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो आयन पंप्स होते हैं मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो ये जब चूंकि कैल्शियम नहीं है वहां पर, तो ये भी फिर वापस सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड में आ जाते हैं अपने ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, और वहां आके ये रिलैक्स्ड हो जाते हैं, मतलब रीपोलराइज्ड हो जाते हैं। रीपोलराइज्ड इसलिए होते हैं कि जब अपने जगह पे जाएंगे वापस, जब टी ट्यूब्यूल्स फिर से एक्शन में आएगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फिर जब स्ट्रेच करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड एटीपी, देन अगेन दीज एटीपी these ions that are the calcium ions and so many ions are there which are responsible for the contraction and relaxation of muscles, वहां आके फिर ये अगेन दे विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट depolarization, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये सिक्वेंस जो है कंटिन्यू चलते रहते। सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इज लेफ्ट आउट इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द रिलैक्स्ड मसल, ठीक है। कैल्शियम आयन जाती है अंदर लेकिन सार्कोप्लाज्म में थोड़ी रह जाती है। वो थोड़ी रहने का सेंस क्या है, मतलब एक तरह से टोन देता है वो, ठीक है, मतलब कैल्शियम आयन तो मेन इनवर्ड रहती है लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी सी रह जाती है। उससे क्या होता है कि जब दोबारा डीपोलराइजेशन होना रहता है तो वो कैल्शियम आयन उसको एक तरह से खींचती है अपनी ओर, ठीक है, एक मतलब अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। So therefore, during relaxation, the thin and thick filaments are dissociated, दोनों अलग हो जाते हैं और allow करते हैं elasticity of the muscle to return into its resting length.
मतलब जेड लाइन और थिन फिलामेंट जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे डी प्रोलेशन होगा तो फिर थिन फिलामेंट्स जो है मतलब एक्टिन फिलामेंट्स ये मायोसिन में बाउंड होंगे और एक स्ट्रेच देंगे टुवर्ड्स द आउटवर्ड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जेड लाइन जो है वो इंक्रीज करेगी, मतलब मसल में कहीं ना कहीं टेंशन रिलीज होगी, ठीक है। समरी हम बता दे रहे हैं जिस एक्साइटेशन और कॉन्ट्रेक्शन का, जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा है बस उसी को ही कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इसमें क्या होती है, इनर्वेशन की बात करें तो नर्व इम्पल्स अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्पेशली एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड फ्रॉम साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड दे विल डिफ्यूज अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन मसल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जब ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होती है तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करता है, इनिशिएट करता है, जो कि कंटिन्यू टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू पूरे मसल सेल पे या मसल फाइबर पे जाता है और मसल को एक्टिवेट करता है। तो व्हेन द एक्शन पोटेंशियल इन टी ट्यूबुल्स मेम्ब्रेन, तो ये क्या करेगा, इन जब जैसे एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूबुल्स मेम्ब्रेन पे आएगी तो ये दैट विल इनहिबिट द कैल्शियम आयन पंप, ठीक है। उसके से उससे कारण क्या होगा, कैल्शियम आयन वापस सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और जो तुम्हारी डीपोलराइजेशन हुई फिर वो जाके कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से दे विल पोक टू द ट्रोपोनिन कंपोनेंट, ठीक है। जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स में जो ट्रोपोनिन है उसको वो मतलब स्टिमुलस देगी फॉर मूविंग द कॉम्प्लेक्स अवे फ्रॉम इट्स पोजिशन सो डेट द एक्टिन चेन्स कैन बाइंड अगेन, ठीक है। तुम्हारी मायोसिन हेड जो है अटैच होगी एटीपी मॉलिक्यूल के साथ और ये बाइंड होगी फिर एक्टिन चेन्स के साथ, ठीक है। और द एटीपी मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड एनर्जी व्हिच ड्राइव्स द चेंज इन द एंगल ऑफ मायोसिन हेड एंड पुल्स द अटैच्ड एक्टिन चेन टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द सार्कोप्लाज्म। मतलब हर समय यही है, एसिटाइल कोलिन जो है दैट इज रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब जेड लाइन के पास, और वहां से ये क्या करेगा, मसल सेल मेम्ब्रेन को मैसेज देगा जहां से एसिटाइल कोलिन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन और द आउटकम ऑफ दिस कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये अगेन टी ट्यूबुल्स मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करेगा और एक बार जो टी ट्यूबुल्स पे स्टिमुलस आएगी तो दैट विल स्प्रेड टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबुल्स, वहां से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करेगा और फिर कॉन्ट्रेक्शन देगा, ठीक है। लेकिन मेन टाइम क्या होगा, जब टी ट्यूबुल्स के पास तुम्हारी मतलब एक्शन पोटेंशियल आती है उसी समय वो कैल्शियम आयन को इन्फॉर्म करता है कि आपका काम हो गया, अब आप वापस चले जाओ अपनी जगह, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन जो है कंटिन्यू होती है और एक्साइटेशन और कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यू होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कैल्शियम आयन एक बार सिक्वेस्टर्ड होती है, मतलब बाहर निकलती है और अंदर ना गई किसी कारण से, मतलब एक शॉर्ट थोड़ी सी लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा रह गया तो फिर दैट विल लीड्स टू क्रैम्प ऑफ द और मसल्स और यू कैन से राइगर ऑफ द मसल्स, ठीक। तो ये चीजें कंटिन्यू होती है और इसको बस